हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो ये वीडियो है वो एक रिज़ल्ट से रिलेटेड है। कौन सा रिज़ल्ट? तो हिंदुस्तान फूड्स के, क्योंकि आपको पता ही है कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाई थी, अच्छे खासे लोगों ने उन्हें उसे वीडियो को देखा भी है, प्यार दिया है अपना। और उसके रिज़ल्ट देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में वो शेयर है, और जो पोर्टफोलियो में हमारे शेयर होते हैं उसके रिजल्ट्स तो देखना बड़ा लाजमी होता है। क्यों? क्योंकि हमें उससे पता चलता है कि फ्यूचर कैसा है उसका। तो इसलिए हमारे पोर्टफोलियो में वो शेयर है तो हम उसके रिजल्ट्स डेफिनेटली देखेंगे। ओके, तो आई 12 तारीख को उसके रिजल्ट्स आए थे, बट मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ जस्ट बिफोर ऑफ मार्केट ओपनिंग, मतलब कल मार्केट ओपन होने वाली है। तो आज हम इसके रिजल्ट्स एक बार देख लेते हैं और देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए आगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार, जो आप सबका चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं इस तरीके की वीडियो आपके पास लाते रहूँ। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिलेंगे, एक आपका एंजल ब्रोकिंग में फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए मिलेगा, जो आप करा सकते हैं अगर नहीं है तो आपका, एज वेल एज नीचे एक और लिंक है वो राम जन्मभूमि से रिलेटेड है, मतलब जो वहाँ पर मंदिर बन रहा है, अगर आप कुछ डोनेट कर सकते हैं तो आप कर डेफिनेटली करिए, एक पुण्य का काम होगा। तो वहाँ पर आप जाके कुछ भी अपनी श्रद्धा अनुसार 10 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, जो भी आप दान करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि वीडियो हमारा हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड के रिलेटेड है, और हिंदुस्तान फूड लिमिटेड करती क्या है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फूड मैन्युफैक्चर का काम करते हैं और बड़े बड़े क्लाइंट हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, US पोलो, ओके, एज वेल एज हर्ष पपीज, तो बहुत बड़ी जितनी बड़े बड़ी ये कंपनीज है ना, ओके, सब पर ब्रुक बॉन्ड, ताजमहल, जो भी टी है, तो सारे प्रोडक्ट्स मोस्टली यही कंपनी बनाती है, उसी कंपनी के साथ टाई अप है। तो देखिए पिछले 2 दिन से तो क्या रिटर्न्स दिए हैं, मतलब आपका 1500-1400 रुपये चलने वाला शेयर सीधे 1900-2000 रुपये तक चला गया था। अगर बात की जाए तो लास्ट में हमें प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दी, जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट ओपन हुआ तो क्लोजिंग क्या थी, 1877 था और 2000 के आसपास ये गया, मतलब 52 वीक हाई लगाया था 2019 का। उसके बाद नीचे मार्केट में गया और उसके बाद रिजल्ट्स आया, रिजल्ट्स के बाद फिर यहाँ पर आपको डाउन होता हुआ नज़र आया, ओके, बट यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ है, इसका मतलब ये नीचे गिरा नहीं है, तो इसकी तरफ हमें ध्यान देना है। और बहुत अच्छा बेहतरीन शेयर है, हमेशा मैं आपको बताता हूँ जितना गिरे, ओके, बाय ऑन डिप्स करके शेयर को हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बेहतरीन शेयर है, बट इसके साथ साथ कुछ और बातें भी है जो आगे बताऊंगा। तो देखिए 50-41% की यहाँ पर डिलीवरीज उठाती हुई दिखी है, जो कि अभी तक मैंने पिछले एक आध महीने में देखा नहीं होगा कि इतनी डिलीवरीज उठाई गई है, क्योंकि ये केवल शेयर है ना जो 5 से 5000, 10000, 3000 में ही ट्रेड होता है, क्योंकि लोग इसे बेचना ही नहीं चाहते। कंपनी इन्फॉर्मेशन में डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, डिविडेंड नहीं देती कोई परेशानी नहीं है, बट हमारा प्राइस जो इसका प्राइस है वो बढ़ रहा है, हमें और क्या चाहिए। तो देखिए रिजल्ट्स पे आते हैं सीधे, तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं, हिंदुस्तान यहाँ देख सकते हैं आप, हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड के, और रुपीज़ इन लैक्स में इसके रिजल्ट्स हैं। और एक बात बता देता हूँ, ये जो रिजल्ट्स है ये 2019 के है, ओके, ये दिसंबर 2019 के, जो इसका लास्ट क्वार्टर, लास्ट ईयर का क्वार्टर का रिजल्ट्स है, और ये लास्ट क्वार्टर 2020 का है, और ये हमारा दिसंबर का रिजल्ट्स है, जो Q3 कहते हैं। तो ये Q3 का रिजल्ट है, Q2 का रिजल्ट है, ये Q3 का रिजल्ट है, बट ये 2019 का है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो ये कंपनी काम करती है उसमें कितना रेवेन्यू हुआ, वो किसी भी कंपनी के लिए सबसे मेन होता है और वही बिजनेस माना जाता है। अदर इनकम को हम अगर एक्सक्लूड भी कर दें, उसे निकाल भी दें, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखते हैं, तो देखिए Q3 2019, ओके, 2019 में दिसंबर के क्वार्टर में 20713 का यहाँ पर रेवेन्यू था। उसके अलावा अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 31844 है, और अभी के क्वार्टर की बात करें तो 38370 कह सकते हैं सीधे, ओके, यहाँ पर लेकिन रुपीज़ का यहाँ पर रिवेन्यू है। तो देखिए ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली यहाँ पर रिवेन्यू इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो रिवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, ओके। अदर इनकम हम छोड़ देते हैं और टोटल इनकम पे सीधे जाते हैं, तो सीधे टोटल इनकम है 38429 इस बार का है, ओके, लास्ट क्वार्टर का था 31914 और इससे पहले था 20741। तो देखिए क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली, क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली दोनों में ही यहाँ पर बेहतरीन जंप दिखाई दे रही है, जो कि इस कंपनी के लिए, इस कंपनी में जो हमारे पैसे लगे हुए हैं, हम समझ सकते हैं कि कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन कमा रही है। बट रेवेन्यू देखना जरूरी नहीं है, एक्सपेंस भी देखना जरूरी है, क्योंकि अगर कंपनी एक्सपेंस पे ज़्यादा खर्चा कर देगी, अगर हमें मिलेंगे ही नहीं तो पैसे कंपनी अर्न नहीं करेगी, प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करें
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर में, लास्ट ईयर 19,738 था जो उसके रेवेन्यू थे। उसके अलावा इस क्वार्टर की, लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 30,642 था, और इस बार कंपनी ने लगभग 37,109 क्वार्टर इतने रुपए खर्च करे हैं इसके टोटल एक्सपेंसेस पे, क्योंकि ये जो कंपनी है मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट्स का, तो उसी के मैन्युफैक्चर में यहाँ पर देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल में ही इनके सबसे ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, बाकी थोड़े बहुत पैसे इधर उधर में खर्च होते हैं। अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो देखिए सब कुछ रेवेन्यू में से एक्सपेंस काटने का जो प्रॉफिट बचता है ओके टैक्स से पहले भी, तो यहाँ पर देखिए लास्ट क्वार्टर में ओके 12,771 था, और उससे पहले इन लास्ट ईयर में 1,003 था, और अभी देखिए 1,319 करोड़ रुपए का, 1,319 लाख रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता हुआ नज़र आया। और अगर हम टैक्स वगैरह सब काट देते हैं और देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम द मतलब NAPT, अगर सॉरी नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट ईयर का क्वार्टर में 637.22 करोड़ रुपीज़, जो कि बढ़ के इस अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें Q2 की इसी साल के, तो 832, जो कि क्वार्टरली वाइज बढ़ता हुआ। और अगर हम बात करें यहाँ पर Q4 की, अगर Q3 की जो कि दिसंबर का है ओके 1256.08, तो मतलब क्वार्टरली बेस पे तो जंप है ही है, एज वेल एज ईयरली बेस पे भी यहाँ पर जंप हमें साफ नज़र आ रही है इस कंपनी में। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में कमा रही है, अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है ओके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, तो ऑब्वियसली बात है हम जो शेयर होल्डर हैं हमें कंपनी कहीं ना कहीं अपने प्राइस में रिवॉर्ड प्रोवाइड करेगी, जो कि हम पिछली बार देख ही चुके हैं जिस जिस तरीके से कंपनी ने हमें रिटर्न्स प्रोवाइड करे। अगर हम बात करते हैं, अगर रिजल्ट्स भी कोई नहीं पढ़ना चाहता मत पढ़िए, सीधे यहाँ पर आइए देखिए 10 का फेस वैल्यू है इस पर, जो हमें अर्निंग पर शेयर EPS की बात हो रही है, तो अर्निंग पर शेयर जो मिल रहा है लास्ट ईयर था 3.46, लास्ट क्वार्टर 3.94, और अभी देखिए लगभग 5.93 का रुपीज़ का EPS है, जो कि काफ़ी बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो हम सोच सकते हैं कि ये कंपनी हमारे हमने जो इन्वेस्ट किया है अच्छे खासे इन्वेस्ट किया है, हम इस पे अभी भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, और अच्छा खासा बस यहाँ पर जो होता हुआ दिखाई दिया है वो केवल क्या है, वो है प्रॉफिट बुकिंग ओके, जो कि अक्सर मोस्टली रिजल्ट आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग होती हुई हमें नज़र आती है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है, कोई इशू नहीं है हमें, बट हमारा पैसा यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अगली बार क्वार्टर का रिजल्ट जब आएगा तो शायद बहुत बेहतरीन नज़र आएगा। और अगर हम सेगमेंट वाइज अगर हम देखें कि किस सेगमेंट में कितना पैसा कंपनी ने कमाया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेगमेंट रिवेन्यू, तो उस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कंपनी काम क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेती है, तो लास्ट ईयर था 20,713 का ओके, लास्ट क्वार्टर था 31,844 का, और जो कि अब की बढ़ते हुए 38,370 के लगभग यहाँ पर क्वार्टरली यहाँ पर रिवेन्यू में यहाँ पर हुआ है। टोटल रिवेन्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो कंपनी हर सेगमेंट में आपको अच्छा करती हुई नज़र आ रही है। तो कंपनी का नाम क्या है, हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड, तो इसका शेयर हमेशा ध्यान रखना, अगर फ्यूचर में बाय ऑन डिप्स करने का मौका मिलता है तो इसमें पीछे मत हटना, क्योंकि यहाँ पर आप अगर हम देखेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो देखिए 2000 सॉरी NSE में है, BSE में तो बहुत पहले से दिखा रहा, तो देखिए यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे 2019 से, तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर रिटर्न्स हमें मिलते हुए 370% के रिटर्न्स इसने एक साल के अंदर अंदर देती हुई नज़र, एक सवा साल डेढ़ साल के अंदर देती हुई कंपनी नज़र आई है। अगर यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके बैलेंस शीट और फाइनेंशियल्स, तो देखिए कंपनी स्मॉल कैप कंपनी, अब स्मॉल कैप कंपनी में हमेशा डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये कंपनी भागती तेज है तो ये गिरती भी तेज है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देखना। मार्केट कैपिटल केवल 3904 मतलब 3904 करोड़ रुपए का है, और ROC ही काफ़ी अच्छी है, लगभग 18% की ROC, और CAGR की अगर बात करें तो पिछले 5 साल में CAGR 55% की CAGR से पैसा बढ़ा रही है, तो जो कि काफ़ी बेहतरीन है। सेल्स हर क्वार्टर में अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं, अब क्या भी देखिए बढ़ते हैं, बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, 384 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर सेल्स है। प्रॉफिट में यहाँ पर देखिए लगभग 13 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, EPS मैंने आपको दिखाई दिया 5.93, अगर हम ईयरली बेस पे बात करें तो ईयरली बेस पे पिछले 12 महीनों में 1152 करोड़ रुपए का, जो कि हर साल में ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट की बात कर लीजिए, नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखिए लगभग 32 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट होता हुआ सबसे ज़्यादा है, हर साल में सबसे ज़्यादा होता हुआ हमें नज़र आया है। रिजर्व्स कंपनी का काफ़ी बेहतरीन है, 179 करोड़ के रिजर्व्स है, बोरिंग कंपनी के पास है
है ओके, और 158 करोड़ रुपीज़ की कोई, बट कोई बात नहीं, कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, आगे चल के चुका देगी। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट 3 करोड़ रुपये का है, और कैश कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए तो लगभग 17 करोड़ रुपीज़ का कैश इक्विवेलेंट है। और अगर बात की जाए कंपनी का यहाँ पर, अगर ये जो लोन लिया है कंपनी अपना कैपेक्स भी बढ़ा रही है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में मैंने एक दो महीने पहले बताया था कि 125 करोड़ रुपीज़ का नॉर्थ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है। आई थिंक उसके लिए अब होल्डिंग, प्रमोटर्स की होल्डिंग देखे तो लगभग 62.2% के शेयर्स प्रमोटर्स के पास है, जो कि बढ़ते हुए नज़र आए हैं। और ये बढ़ा रहे हैं तो मतलब समझ लीजिए कि क्या कहते हैं, प्रमोटर्स ही इसके बिजनेस ओनर है, तो यही बढ़ा रहे हैं, तो क्या अच्छा खासा हो गई प्रॉफिट। फॉरेन इन्वेस्टर भी देखिए अच्छा खासा 6.63 लेके बैठे हुए हैं। डीआईएस भी देखिए यहाँ पर बढ़ते हुए रकम नज़र आ रहे हैं, 7.56% की हिस्सेदारी है। पब्लिक के पास भी काफ़ी अच्छी है होल्डिंग है। अगर पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक में भी देखिए इन लोगों ने सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी ले रखी है, 3, 4, 7, 7 और 10, मतलब 11% की हिस्सेदारी इन्होंने ले रखी है। और बाकी अगर बात की जाए 11-12% की पब्लिक के पास है। तो आप यहाँ पर ध्यान से दे सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अच्छा ही है, सारे सारे शेयर अच्छे अच्छे लोगों ने ले रखे हैं, और बाकी पब्लिक के पास 10-11% की है। अगर आपको मौका मिलता है कभी फ्यूचर में बाय एंड डिप्स करने का इस कंपनी में, तो चूकिए मत, यह आपको बेहतरीन रिटर्न्स दे सकती है आने वाले सालों में। क्योंकि अगर ओवरऑल बात की जाए तो इसने अभी तक जब से ये कम मार्केट में लिस्ट हुई है तो 3400-3500% के रिटर्न्स इसने हमें देते हुए नज़र आया। तो आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइसर से जरूर पूछिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और हमारे इस चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार जो आपका खुद का चैनल है, इसे सपोर्ट करिए दोस्तों, इसे ग्रो करने में सपोर्ट करिए, ताकि ये सब जगह फैले और लोगों को भी नॉलेज मिल सके। तो सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।